एक क्वेश्चन है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:7 है, मतलब पी की आयु कितनी है 5x और क्यू की कितनी है 7x। आगे है, यदि क्यू की वर्तमान आयु और 6 वर्ष के बाद पी की आयु के बीच का अंतर 2 है, मतलब हमने अंतर लेना है, अंतर वो 2 है, किसके किसके बीच में बोला हुआ है, क्यू की वर्तमान आयु कितनी माननी है हमने 7x, और 6 वर्ष के बाद पी की आयु, मतलब हमने पी की आयु कौन सी लेनी है 6 वर्ष बाद वाली। अगर आज उसकी एज 5x है तो 6 साल बाद कितनी होगी, उसमें 6 साल ऐड होंगे ना, तो वो कितनी दे रखी है 2 ईयर्स। इसको सॉल्व करते हैं, 7x ये माइनस का 5x प्लस माइनस -6 इक्वल टू 2। 7x में से 5x चला गया, कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 2। ये जो माइनस का 6 है उसको जाके प्लस का 6 हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया हमारा 4। आगे उन्हें पूछा है तो p और q की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, मतलब p और q की वर्तमान आयु का प्लस करना है हमें। पहले p की निकाल लेते हैं, एज कितनी आ गई, p की कितनी है 5x, मतलब 5 × x, x हमने 4 निकाला है तो कितना आ गया 20। q कितना है हमारे पास 7x, मतलब कितना आ गया 7 × 4 28। तो p और q का टोटल करना है तो कर दो, कितना है 20 और कितना है 28, तो कितना आ गया 48, तो उनका टोटल कितना है 48, तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया, डी ऑप्शन।